नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में समाप्त हो चुका है दूसरा T20I मुकाबला और दूसरे T20I मुकाबले के हाइलाइट्स हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता था बांग्लादेश के कप्तान ने और गेंदबाजी को चुनी थी। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 74 रनों की धाकड़ पारी खेलकर अर्धशतक ठोका था, तो उनके साथ रिंकू सिंह ने 54 रनों की पारी खेलकर हिलाकर रख दिया था। भारतीय टीम पहुंच गई थी 221 रन तक 9 विकेट के नुकसान पर। अपने आप में ये टारगेट काफी बड़ा और काफी भारी था बांग्लादेशी टीम के लिए। ऐसे में बांग्लादेश की टीम आज ने टारगेट का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के अर्षदीप सिंह ने आते ही खाता खोल दिया भारतीय टीम का विकेट से। जी हां दोस्तों, अर्षदीप सिंह इस गेंद पर इमोल लुसवान बोल्ड होकर रह गए, मात्र 16 रन बनाकर ही आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद शांतनु विसुंदर की इस गेंद पर सीधा कैच दे बैठे, मात्र 11 रन बनाकर ये भी आउट हुए कप्तान शांतो। उनके बाद लिटन दास बोल्ड हुए 14 रन बनाकर। दोस्तों ये विकेट सबसे बड़ी थी लिटन दास काफी खतरनाक बल्लेबाज से। उनके बाद तो विकेटों की लड़ी ही लग गई। अभिषेक शर्मा ने रिद्वाय को आते ही सिरे से क्लीन बोल्ड कर रख दिया, जिसके चलते इस मुकाबले में रिद्वाय भी 2 रन बनाकर आउट हुए। फिर आउट हुए मेहंदी हसन मिराज, वो भी सिरे से। 201 के बाद एक विकेट जाने लगी, मैदान पर कोई बल्लेबाज ठहर नहीं पाया। रियाद हुसैन भी 9 रन बनाकर आउट हुए। 200 के बाद भी पूरी तरह से बांग्लादेश ढह गई, जाकर हसन 1 रन बनाकर आउट हुए। अंत में महमदुल्ला ने कुछ रन लगाए लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। 41 रन इन्होंने जड़े 39 गेंदों पर लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए और मात्र 135 रन ही बना पाई बांग्लादेशी टीम। 86 रनों से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीता। 2-0 से सीरीज भी जीत चुकी है भारतीय टीम। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरा T20I मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत के रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लेकिन अगर आप रिंकू सिंह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, क्योंकि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना था। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी, जहां संजू सैमसंग 10 रन, अभिषेक शर्मा 15 रन व सूर्य कुमार यादव 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों उनके बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज मैदान पर दिखाया था और उनका साथ दे रहे थे ऑलराउंडर भारतीय टीम के चैंपियन बल्लेबाज रिंकू सिंह। दोस्तों आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने काफी लाजवाब, काफी शानदार वाक, काफी शानदार बल्लेबाजी की। नंबर 5 पर आज हार्दिक पांड्या से पहले रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया मिडिल ऑर्डर में और उस चीज का भरपूर फायदा उठाया रिंकू सिंह ने अपनी ताबड़तोड़ व तूफानी बल्लेबाजी से। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा रिंकू सिंह ने जहां उन्होंने ताबड़तोड़ खतरनाक व जानदार बल्लेबाजी ना की हो। दोस्तों आप सभी को बता दें, मात्र 25 गेंदों पर इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बल्लेबाजी कहां रुकने वाली थी। 53 रन पर रिंकू सिंह आ चुके थे। तेजी से बल्लेबाजी करने के चक्कर में तास्किन हसन अहमद की इस गेंद पर जाकर अली को कैच दे बैठे और आउट हुए। 53 रन बनाकर 29 गेंदों में 3 छक्के व 5 चौके लगाकर रिंकू सिंह आउट हुए। उनके बाद हार्दिक पांड्या ने 32 रन जड़े 19 गेंदों पर, जिसके चलते भारतीय टीम ने 221 रन जड़े 9 विकेट के नुकसान पर और बांग्लादेश को टारगेट दिया 222 रन का, जो कि अपने आप में काफी विशाल लक्ष्य है। लेकिन आप रिंकू की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरा T20I मुकाबला शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप भी अभिषेक शर्मा को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। टॉस की अगर हम बात करें तो शांतनु व सूर्य कुमार यादव दिल्ली के इस मैदान पर आए टॉस के लिए। टॉस गिरा बांग्लादेश की झोली में और उन्होंने गेंदबाजी को चुना। सूर्य ने कहा कि उनको भी गेंदबाजी चाहिए थी, लेकिन वो उनकी आज किस्मत में नहीं था। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 वही है जो कि पहले T20I मुकाबले में थी। कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा व संजू सैमसंग। दोस्तों दोनों ने शुरुआत अच्छी दिलाई। अभिषेक शर्मा एक और बार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन संजू सैमसंग तास्किन अहमद की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और शांतनु के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 10 रन बनाकर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसंग 7 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद अभिषेक शर्मा भी हिटिंग करने के चक्कर में मात्र 15 रन बनाकर। दोस्तों तंजीन हसन शाकिब की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, 15 रन बनाकर 11 गेंदों में अभिषेक शर्मा आउट हुए। उनके बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए तीसरे नंबर पर। सूर्य कुमार यादव से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 10 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ एक चौका लगाकर मुस्तफिजुर रहमान की स्लोअर गेंद पर सीधा शांतनु को कैच दे बैठे। सबसे बड़ा झटका लगा इस मुकाबले में भारतीय टीम को। सूर्य कुमार यादव मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद आए नीतीश कुमार रेड्डी और उनका साथ देने आए मैदान पर रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या की जगह। शुरुआती पावर प्ले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी से 45 रन तो जड़े, लेकिन 3 विकेट भी खो। लेकिन फिर मध्य क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी आतिश बल्लेबाजी से मैदान पर सभी को हैरान कर दिया। अपने दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबले में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी शायद ही आज तक किसी यंगस्टर बल्लेबाज ने की होगी। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा नीतीश कुमार रेड्डी ने, जहां उन्होंने छक्के और चौकों की लड़ी ना लगाई हो। हर गेंद पर चौका, हर गेंद पर छक्का। देखते ही देखते नीतीश कुमार रेड्डी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। जी हां दोस्तों, मात्र 27 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने के बाद भी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। 74 रन तक वो पहुंच चुके थे 34 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 7 छक्के व 4 चौके जड़ दिए थे। तभी और तेजी से खेलने के चक्कर में मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद पर टॉप एज से बैठे नीचे मेहंदी हसन मिराज ने शानदार कैच लपक ली। एक एंटरटेनिंग पारी समाप्त हुई 74 रन बनाकर 34 गेंदों में नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए। लेकिन उनके बाद रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।
200 रिंकू सिंह ने भी 3 छक्के व 5 चौके जड़े और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। 200 लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद रिंकू सिंह भी 53 रन बनाकर 29 गेंदों में इस तरीके से आउट हुए। 200 अंत में आकर हार्दिक पांड्या ने 32 रनों की पारी खेली 19 गेंदों में। टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 221 रन जड़े। जी हां दोस्तों, 221 रन भारतीय टीम ने बनाए 9 विकेट खोकर, जो कि अपने आप में काफी बड़ा टारगेट है। लेकिन आप नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में शुरू होने वाला है दूसरा T20I मुकाबला। लेकिन अगर आप भी अभिषेक शर्मा को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं और भारतीय टीम के सपोर्टर हैं, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहले T20I मुकाबले में भारतीय टीम ने करारी हार हरा कर रखी थी बांग्लादेशी टीम को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने चारों तरफ से घेर लिया था पहले T20I मुकाबले में बांग्लादेशी टीम को। 7 विकेटों से करारी हार हरा कर भारतीय टीम ने इस 3 T20I मुकाबलों की T20I श्रृंखला में एक और शून्य से बढ़त बना ली थी। अब बारी है दूसरे T20I मुकाबले की। दोस्तों दूसरे T20I मुकाबले की अगर हम बात करें, तो ये दिल्ली में खेला जाने वाला है, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम है, जहां स्पॉन्सरों के बैनरों की भरमार होती है। दोस्तों इससे पहले इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए भी पहुंच चुकी थी आज सुबह, जहां वो दूसरे T20I से मुकाबले से पहले एक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेलने वाली थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव से लेकर अभिषेक शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी की। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें, तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी यही होगी, जिसमें संजू सैमसन व अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी व हार्दिक पांड्या और रियान पराग मध्य क्रम में होंगे, वहीं तीसरे नंबर के बल्लेबाज होंगे सूर्य कुमार यादव। 200 ऑलराउंडर में होंगे वाशिंगटन सुंदर व रिंकू सिंह, गेंदबाजी की कमान संभालेंगे अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती व मयंक यादव। लेकिन दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये प्लेइंग 11 कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में दूसरा T20I मुकाबला हो चुका है समाप्त। लेकिन अगर आप भी सूर्या को अच्छा कप्तान मानते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इन्होंने इस मुकाबले में टॉस जीता, गेंदबाजी को चुना। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी की, मात्र 127 रन पर समेट लिया पूरी बांग्लादेशी टीम को और ऑल आउट कर दिया। और भारतीय टीम को टारगेट मिला जीतने के लिए 128 रन का। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई 2 चौके और 1 छक्का लगाकर। लेकिन फिर आए संजू सैमसन स्ट्राइक पर, जो कि दूसरे सलामी बल्लेबाज से 200 टच कर सिंगल लेने के चक्कर में अभिषेक शर्मा हां और ना के चक्कर में संजू सैमसन के फंस गए और रन आउट हुए इस तरीके से दूसरे एंड पर। 200 बड़ी विकेट मिली बांग्लादेश को, अभिषेक शर्मा 16 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन तीसरे नंबर पर आकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेली आतंकी पारी, मात्र 14 गेंदों पर 29 रनों तक पहुंच चुके थे। वैसे ही तेजी से बल्लेबाजी करने के चक्कर में अगली गेंद पर तास्किन अहमद की एस जेवेट और पीछे कैच पकड़ ली गई। सूर्य कप्तान 29 रन बनाकर 14 गेंदों में आउट हुए, 3 छक्के व 2 चौके उन्होंने जड़े, रन रेट को रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ाया। छोटा टारगेट था, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 19वीं गेंद पर संजू सैमसन अपने बल्ले का टॉप एज दे बैठे और सीधा कैच दे बैठे रियाद को, जिसके चलते संजू सैमसन भी 29 रन बनाकर 19 गेंदों में थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन मुकाबला 99% भारतीय टीम जीत चुकी थी, रन रेट काफी हाई था, जिसके चलते बची कुची कसर हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की ने पूरी की और उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि डेब्यूट मुकाबला खेल रहे हैं, उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद अंत तक हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन पारी खेली। जी हां दोस्तों, सूर्या और अभिषेक और संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ अंत में पारी खेली। अंतिम 60 गेंदों पर सिर्फ 23 रनों की दरकार थी। आधे हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन जड़ दिए, 2 छक्के व 5 चौके जड़कर, और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 छक्का जड़ दिया, जिसके चलते 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही भारतीय टीम ने इतने टारगेट को पूरा कर लिया और 7 विकेटों से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के पहले T20I मुकाबले को भारतीय टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया है। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में शुरू हो चुका है पहला T20I मुकाबला ग्वालियर के SC स्टेडियम में। दूसरे पिच गेंदबाजी के लिए काफी ज्यादा अनुकूल थी, तो गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आपके आंखों के सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों नजमुल हसन शांतो व सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आए। दोनों ही कप्तानों में टॉस को चला गया और टॉस गिरा सूर्य कुमार यादव की झोली में। और जैसे कि हमने आपको बताया था, सूर्य ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को ही चुना। अर्शदीप सिंह आए गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए लिटन दास के सामने, और आधे लिटन दास एक चौका लगाकर अगली गेंद पर टॉप एज दे बैठे अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की नीचे रिंकू ने शानदार कैच पकड़ ली, 4 रन बनाकर लिटन दास आउट हुए। दोस्तों के बाद दूसरे बल्लेबाज इमोन भी इनसाइड एज के चलते इस तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए, मात्र 8 रन बनाकर ये भी आउट हुए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे बांग्लादेश के। फिर हृदय रॉय भी वही गलती कर बैठे, चक्रवर्ती की गेंद पर पांड्या को कैच जबड़े काफी आसानी से, जिसके चलते वरुण चक्रवर्ती ने पहली विकेट निकाली अपनी। दोस्तों हृदय रॉय आउट हुए 12 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद जाकर अली व महमदुल्ला बल्लेबाजी करने आए, लेकिन महमदुल्ला मात्र 1 रन बनाकर। डेब्यूटेंट बल्लेबाज मयंक यादव की गेंद पर एज जबड़े और कैच आउट हुए। डेब्यूट पर पहली विकेट मिली यादव को, 1 रन बनाकर महमदुल्ला आउट हुए।
200 आप सभी को बता दें। उनके बाद जाकर अली भी अगली गेंद को पढ़ नहीं पाए वरुण चक्रवर्ती के ओवर की और क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद पैरों के अंदर से घुस गई, 8 रन बनाकर ये आउट हुई।